ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग द्वारा सोलन में देश बचाओ संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रंजनी पाटिल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, सह प्रभारी गुरकीत कोटली, राष्ट्रीय अनुसूचित विभाग के संयोजक प्रमोद, प्रदेश अनुसूचित विभाग के चेयरमैन योगेंद्र गोमा विशेष रूप से मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग द्वारा सोलन में देश बचाओ संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर, नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, सह प्रभारी गुरकीत सिंह कोटली, राष्ट्रीय अनुसूचित विभाग के संयोजक प्रमोद, प्रदेश अनुसूचित विभाग के चेयरमैन यादविंदर गोमा विशेष रूप से उपस्थित रहे। रैली के दौरान सोलन के जिलाधीश के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और चेतावनी दी कि वह किसी भी सूरत में दलितों के साथ जायदाद तीन नहीं होने देंगे। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर और विधायक तिनराम शौंडिल ने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति को जो संविधान में स्थान मिला था उसके साथ छेड़छाड़ हो रही है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसे वे किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने भारत की जनता को बहुत से सबज बाग दिखाए थे, लेकिन न युवाओं को रोजगार मिला न ही महंगाई से छुटकारा, जिसके चलते आज भारत की जनता भाजपा से त्रस्त है। उन्होंने कहा कि जब से देश में भाजपा की सरकार बनी है तब से अनुसूचित जाति और जनजाति पर अत्याचार हो रहे हैं। इस अवसर पर पूर्व मंत्री व स्थानीय विधायक डॉक्टर कर्नल धनीराम शौंडिल, पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप कुमार, विधायक लखविंदर सिंह राणा, विधायक विनय कुमार, पूर्व विधायक राम कुमार चौधरी, गंगू राम मुसाफिर, पूर्व विधायक रवि ठाकुर और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। गौरतलब बात यह है कि इस रैली में लोग तो बेहद संख्या में मौजूद थे, लेकिन रजनी पाटिल और मुकेश अग्निहोत्री ने ना जाने किन कारणों से ज्ञापन देने उपायुक्त कार्यालय नहीं पहुंचे और सभी से दूरी बनाते हुए नजर आए। यही नहीं, कुछ नेताओं ने रजनी पाटिल और मुकेश अग्निहोत्री के साथ अलग से खाना खाया और धनीराम शौंडिल अपने कार्यकर्ताओं और अनुसूचित जाति मोर्चा के साथ अलग होटल में खाना खाते नजर आए, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि वह कांग्रेस के इस मुद्दे पर मन से साथ नहीं थे। इसलिए तो हमारे दो प्राइम मिनिस्टर जैसे जिन्होंने अपना बलिदान दिया देश के लिए, आप सब जानते हैं इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी। तो आज ऐसी स्थिति है कि हर तरफ हमारी छोटी बहन जाए, छोटा घर का कोई सदस्य सुरक्षित नहीं है, किसी यात्रा में जाए सुरक्षित नहीं है, कहीं कुछ काम कराना हो सुरक्षित नहीं है। अगर इतनी असुरक्षा दिमाग में आ गई है, आप देख रहे हैं शाहीन बाग जैसी घटनाएं हो रही और लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको मैं समझता हूँ कि ये कहना कि हम तो भाई देश की बहुत बड़ी एक क्लास को कर रहे हैं, मैं कहता हूँ देर इज ए बिग डिवाइड। और सबसे बड़ी बात मैं समझता हूँ जो संविधान की जो सुरक्षा है वो आज करनी पड़ेगी। तो ये था आज दिन भर कार्यक्रम, फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप जुड़े रहिए एच टुडे के साथ। नमस्कार।